हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कलाकारी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मैंगो स्कॉश की रेसिपी। ये वही मैंगो स्कॉश है जो आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, लेकिन हम आज इसको घर पर ही बनाएंगे, वो भी विदाउट प्रिजर्वेटिव। और आप इनको बिना प्रिजर्वेटिव के भी काफ़ी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बस इसको आप फ्रिज में रखिए और कुछ टिप्स का ध्यान रखिए, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। और इस होममेड मैंगो स्कॉश से आप बहुत सारी मैंगो की रेसिपी बना सकते हैं। कुछ रेसिपीज़ हम आगे वीडियो में अभी बनाएंगे। मैंगो का सीज़न नहीं है, फिर भी आप मैंगो की रेसिपी बना सकते हैं। बार बार आम को छीलना, काटना, उसका पल्प निकालना, ब्लेंड करना, तब जाके कहीं रेसिपी बनती है। इन सब झंझट से भी आप बच सकते हैं। बस मैंगो स्कॉश बना के रखिए और फटाफट जब मन करे तब मैंगो की कोई भी रेसिपी बना दीजिए। और ये बनाना भी बहुत ही आसान है, घर की ही कुछ चीज़ों से बन जाता है। आम के सीज़न में बहुत सारे आम आते हैं, तो आप इसको बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं अपनी मैंगो स्कॉश की रेसिपी, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे कुछ मैंगो की बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करना, आगे शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ मैंने लिए हैं ये दो बड़े साइज़ के आम, और ये लगभग हाफ के जी तो हैं ही, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बेशक। और आम आप कोई भी लें, बस आम आपका मीठा होना चाहिए। चलिए अब हम इनका पल्प निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हमने इस तरीके से इसको कट करके और इसका पल्प निकाल लिया है। चलिए इसको अभी हम ब्लेंडर में डालते हैं और इसको ब्लेंड करके इसको अच्छा सा स्मूथ प्यूरी बना लेनी है इसकी हमें। और ये देखिए ब्लेंड हो गया है और कितनी बढ़िया स्मूथ प्यूरी बनी है हमारी। ये करना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं गैस की तरफ। और ये मैंने हाफ के जी शुगर ली है, ये यहाँ पर हाफ के जी ही लेने, क्योंकि आम हमारा हाफ के जी, और हाफ लीटर इसमें पानी लेना है। ये तीनों का रेशो बराबर रखना है और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और एक बॉईल आने देंगे। और ये देखिए बॉईल आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सिरका डालेंगे। अगर सिरका अवेलेबल नहीं है तो आप 2 से 3 बड़े चम्मच नींबू का रस डाल दें। बस नींबू का रस डालेंगे तो ये है कि आपका मैंगो स्क्वैश 2 महीने तक स्टोर रख सकते हैं, लेकिन अगर सिरका डाल देंगे तो आप इसको 3 से 3.5 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अगर 6 मंथ तक आपको अपना मैंगो स्क्वैश स्टोर करना है या 6 मंथ से थोड़ा ज़्यादा तक करना है, तो आपको इसमें सिट्रिक एसिड यूज़ करना होगा, जो बिल्कुल सेफ़ है। तब आपका सिट्रिक एसिड यूज़ करने से आपका स्क्वैश बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम तक। अब हमें अपनी चाशनी का एक तार की चाशनी बनानी है, और ये लगभग बन ही गई है बॉईल होते होते। आप इसको छू के देखेंगे तो एक तार बन जाएगा, इससे ज़्यादा ना पकाएं इसको। अब हम इसमें अपनी मैंगो प्यूरी डालेंगे, क्योंकि हमारी चाशनी बन गई है बिल्कुल एक तार की बढ़िया सी, और इसमें ये सारी मैंगो प्यूरी डाल देंगे। अब इसको डालने के बाद इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये स्पून से मिक्स नहीं होगा, देखिए। तो हम इसके लिए एक विस्क लेंगे और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे तो बढ़िया से ये मिक्स हो जाएगा। इसका कलर भी चेंज होने लग जाएगा, ये देखिए बिल्कुल इसमें एक शाइन आने लग जाएगी। और बस हमारा ऐसे मिक्स करते करते ही ये मैंगो स्क्वैश रेडी हो जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। चलिए अब गैस बंद कर देते हैं और इसको हम स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर छानें, क्योंकि हम कितना भी ब्लेंड करें फिर भी कुछ रेशे रह जाते हैं, तो जो थोड़े से रेशे रह जाते हैं ना, तो वो इसमें निकल जाएंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल बढ़िया मार्केट वाले स्क्वैश का टेक्सचर लाना है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से छन जाएगा, बहुत ही थिक हो जाता है ये, और बहुत ही बढ़िया मैंगो स्क्वैश बनके रेडी होगा। ये देखिए बिल्कुल आराम से छन गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब हम इसको ठंडा करेंगे ना, तो थोड़ा सा इसको चलाते रहें ताकि ऊपर कोई एक वो पपड़ी सी आ जाती है। अच्छा, यहाँ लेंगे अब एक ग्लास जार। आप ग्लास जार या ग्लास बॉटल का यूज़ करें, प्लास्टिक या मेटल का यूज़ ना करें। और इसको अब हम इसमें डालेंगे। अच्छा, ये ग्लास जार का मैंने क्या किया है कि इसको मैंने गर्म पानी में कुछ देर के लिए बॉईल किया है, या गर्म पानी में छोड़ दें और उसको अच्छे से धो के सुखा के धूप में सुखा लें और तब इसमें ये डालें, और पूरा मैंगो स्क्वैश इसमें डाल देंगे। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, इसको आपको धूप में सुखाना है, अपनी बॉटल को गर्म पानी से धोना है। और इसका अभी हम कैप लगा देंगे। एक बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि इसको हमें लगातार फ्रिज में रखना है, बस इसको जब बनाए निकाले और वापस से फ्रिज में रख दें, ये ज़रूर ध्यान रखें। और ये मार्केट वाला स्क्वैश बना है, होममेड स्क्वैश है ये, आप इसका ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो इसको बॉईल करना और इसको सुखाना धूप में, ये ज़रूर करें। चलिए अब मैंगो स्क्वैश तो बन गया है, अब हम बनाते हैं अपने इससे कुछ रेसिपीज। तो ये हम बनाएंगे मैंगो जूस। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी आइस ली है एक जार में,
और ये मैंगो स्क्वैश डालेंगे, 4 से 6 बड़े चम्मच इसमें ये स्क्वैश डालेंगे और 1 टीस्पून लेमन जूस डालेंगे और अभी इसमें 1 चुटकी भर नमक डाल देंगे और पानी ऐड कर देंगे, लगभग 1/2 ग्लास, इससे ज़्यादा ना करें। और बस इसको बंद करके इसको अच्छे से शेक कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये लीजिए, हमारा बढ़िया होममेड मैंगो जूस बनकर रेडी है। हमारे होममेड मैंगो स्क्वैश से 2 मिनट में बन जाता है। यार ये देखिए क्या बढ़िया मैंगो जूस बना है। अच्छा, अगर आपको बिल्कुल बाहर वो फ्रूटी वाला टेस्ट लाना है ना, तो इसमें थोड़ा सा आप शुगर एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। चलिए अब बनाते हैं हम अपने मैंगो स्क्वैश से मैंगो आइस टी। और इसके लिए लिया है ये चाय वाला बर्तन और इसमें 1 ग्लास पानी डाल दिया है और थोड़ी सी ब्लैक टी डालेंगे, बहुत थोड़ी सी डालें और इसको एक बॉईल ला दें और इसको फिर छान लें और ठंडा कर लें। चलिए अब जार में थोड़ी सी आइस डालेंगे और ऊपर से डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच मैंगो स्क्वैश और इसमें थोड़ी सी क्रश्ड मिंट लीव डालेंगे, क्रश की हुई। 1 लेमन को इसमें स्क्वीज़ कर देंगे और इसके ये लेमन को स्क्वीज़ करके इसी में डाल दें और थोड़ा सा नमक डालेंगे 1 चुटकी भर। अब इसमें चाय वाला पानी डालेंगे लगभग 50 ml, कम ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं। और अब हम इसको बढ़िया से शेक कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और ग्लास में अभी हम लेंगे थोड़ी सी और आइस और इसमें डालेंगे कुछ लेमन स्लाइसेस, थोड़ी सी मिंट लीव और ऊपर से डाल देंगे अपनी आइस टी। और ये लीजिए, हमारी बढ़िया ठंडी ठंडी रिफ्रेशिंग आइस टी रेडी है। 1 लेमन स्लाइसेस को गार्निश कर देंगे और बढ़िया लेमन टी बनकर रेडी हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही रिफ्रेशिंग लगती है ये, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो चलिए अब आइस टी भी बन गई है, मैंगो जूस बन गया, अब बनाते हैं हम अपनी मैंगो पॉप्सिकल्स, इसको आम जिसकी भी बोलते हैं। और इसके लिए मैंने मैंगो स्क्वैश लिया है 160 ml, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चुटकी भर काला नमक डालेंगे और 1 लेमन को स्क्वीज कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 500 ml इसमें पानी ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा पानी ऐड ना करें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये मिक्स हो गया है बढ़िया से, अब हम इसको ऐसे बर्तन में डाल देंगे ताकि इसको मोल्ड में पोर करना आसान हो जाए। और अगर आपके पास ऐसा मोल्ड ना हो तो आप जो पेपर कप आते हैं ना उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं, बस उसमें स्टिक इंसर्ट कर दें और ऊपर से सिल्वर फॉइल से रैप कर दें। और इसमें भी हमने ये कवर कर दिया लिड से और इसमें ये जो स्टिक है ये इंसर्ट कर दिया और 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। और ये लीजिए, 5 से 7 घंटे हो गए हैं और बढ़िया मैंगो पॉप्सिकल बनकर रेडी है। आसानी से निकल जाती है वैसे तो, अगर ना निकले ना आसानी से तो आप इसको 5 से 7 मिनट बाहर निकाल के छोड़ दीजिए। और ये बढ़िया क्या कलर आया है, बिल्कुल लग रही है ना मार्केट वाली मैंगो पॉप्सिकल, इसको आम चिस्की भी बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया लगती है, ये मैंगो कैंडी के नाम से भी मिलती है मार्केट में। आप इसको घर पर बनाइए अपने होममेड मैंगो स्क्वैश से और बहुत ही बढ़िया बनती है ये होममेड, आपकी मैंगो पॉप्सिकल बनकर रेडी होंगी। और ये हमने जो पेपर कप में बनाई थी वो है, बहुत ही बढ़िया बनती है, सबको मज़ा आ जाएगा खा के। चलिए अब बनाते हैं ये मैंगो मिल्क शेक। 1 कप मिल्क लेंगे हम इसमें, ब्लेंडर में डाला, और 4 से 5 टेबलस्पून मैंगो स्क्वैश लेंगे, 4 से 5 बड़े चम्मच, और 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम लेंगे, ये ऑप्शनल है, इसको ब्लेंड कर लेंगे। और ये ब्लेंड हो गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से और इसको अपने ग्लास में सर्व करेंगे और बढ़िया मैंगो मिल्क शेक बनकर रेडी हो गया है। अच्छा, यहाँ पर हमने 1 स्कूप इसमें वनीला आइसक्रीम की डाल दी है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट ये इससे मैंगो मिल्क शेक बहुत बढ़िया लगता है। और ये लीजिए, आपके होममेड मैंगो स्क्वैश से आपका मिल्क शेक बनकर रेडी हो गया है 2 मिनट में। तो सारे झंझट से पीछा छूट जाता है और फटाफट आप बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं इस मैंगो स्क्वैश से। आपने पॉप्सिकल बना ली और मैंगो मिल्क शेक बना लिया, मैंगो जूस बना लिया, मैंगो आइस क्रीम बना ली, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपका ये मैंगो स्क्वैश कैसा बना। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक करना, आगे शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।